इकाई 3 हिंदी शब्दावली का स्वरूप। शब्द की परिभाषा। हिंदी में शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। श्रोतव्य रूप के आधार पर यह व्याख्या इस प्रकार होगी। अक्षरों अथवा वर्णों के समुदाय विशेष को शब्द कहते हैं। शब्द और उसके अर्थ का ध्यान रखते हुए शब्द की व्याख्या इस प्रकार से करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह या संकेतों को शब्द कहते हैं। साधारण रूप से विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम शब्द है। भाषा वैज्ञानिक शब्द को स्वतंत्र चरम वाक्य मानते हैं। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि ही शब्द है। संस्कृत में शब्द के लिए पद या पाद का प्रयोग भी होता है। शब्द का महत्व। भाषा की दृष्टि से शब्द का बड़ा महत्व है। आदिम युग से लेकर अर्वाचीन युग तक व्यक्ति जो कुछ ज्ञान ग्रहण कर पाया है वह शब्दों के रूपों में ही आज विश्व के सामने संचित तथा सुरक्षित है। भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन शब्द ही है। वक्ता या लेखक अपने शब्दकोश के बल पर ही मैदान मार लेता है। शब्द भाषा के क्रमिक विकास की रूपरेखा है। लेखक की शक्ति है तथा व्याकरण और भाषा विज्ञान का प्राण है। किसी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उस भाषा में प्रयुक्त शब्दों का पूरा पूरा ज्ञान ना हो। किसी समाज अथवा राष्ट्र के इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा। यदि किसी भाषा की गंभीरता और हल्केपन का पता लगाना हो तो उसकी शब्दावली पर दृष्टि डालनी होगी। इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द भाषा की निधि है। मॉर्फोलॉजी ऑफ हिंदी। महाभारत के शांति पर्व में श्वेत केतु द्वारा शब्द की परिभाषा का उल्लेख है। कल्पयेन च वर्णनाम परिवाद कृतो हि यः सा शब्द हितु विज्ञेय। अर्थात वर्णों के आगे पीछे जोड़ने से बोलने का जो प्रकार किया जाता है वह शब्द होता है। शब्दों के भेद। ध्वनि संबंधी भेद। ध्वनि की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द वर्णनात्मक शब्द। जो शब्द स्पष्टता पूर्वक सुनाई नहीं देते और ना स्पष्ट रूप से समझ में ही आते हैं ऐसे शब्दों को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। जो शब्द पृथक पृथक अक्षरों से पृथक पृथक रूप से सुनाई देते हैं उन्हें वर्णनात्मक शब्द कहते हैं। मानव जीवन की दृष्टि से ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णनात्मक शब्दों का महत्व अधिक है। अर्ध संबंधी भेद। अर्ध की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं। सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। साहित्यिक भाषा का संबंध केवल सार्थक शब्दों से ही रहता है निरर्थक से नहीं। सार्थक शब्दों में भाव और विचार की एक प्रतिमा निहित रहती है। उन शब्दों के उच्चारण मात्र से प्रतिमा के संस्कार उद्बुद्ध हो उठते हैं। शब्द शक्तियाँ। शब्दों की तीन शक्तियाँ निर्धारित की गई है। अभिधा लक्षण व्यंजना। जिस व्यक्ति के द्वारा शब्द के वाचार्थ का बोध होता है उसे
अभिता कहते हैं। वाचक शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। जिन शब्दों के खंड का कोई अर्धु ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, यथा श्याम, जल, पैसा आदि। यौगिक शब्दों का पूर्ण बोध उनके अवयवार्ध से होता है, जैसे राकेश यौगिक शब्द है, इसके दो अवयव रका और ईश है, इसका अर्ध हुआ रका रात्रि, का स्वामी अर्थात चंद्रमा। योग रूढ़ शब्दों में हमें यौगिक और रूढ़ दोनों ही शब्दों की शक्तियों का सम्मिश्रत प्राप्त होता है, तथा लंबोदर शब्द का यौगिक अर्ध हुआ लंबे उदर वाला, परंतु यह शब्द गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। लंबोदर शब्द सुनते ही हमारे मन में गणेश जी का चित्र आ जाता है। पंकज तथा जलज शब्द भी योग रूढ़ है। जिस शक्ति के द्वारा लक्षार्ध का बोध होता है उसे लक्षणा कहते हैं। यथा मैं जयशंकर प्रसाद का अध्ययन कर रहा हूँ, इस वाक्य में जयशंकर से तात्पर्य उनका साहित्य है जिनका अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ जयशंकर प्रसाद का साहित्य यह लक्षार्ध है। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के व्यंग्यार्ध का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे यदि कोई कहे कि कल तुम्हारी कोठी में रात भर कुत्ता भौंकता रहा, तो इसका व्यंग्यार्ध निकलाता है कि शायद चोर आए हो, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी अविकारी। जो शब्द लिंग, कारक तथा वचन आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तन कर लेता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। शब्द ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? शब्दों का ज्ञान हमें तीन प्रकार से प्राप्त होता है, उच्चारण करने से, सुनने से, देखने से। यद्यपि अपनी अपनी जगह पर उच्चारण ज्ञान, श्रवण ज्ञान तथा चक्षु ज्ञान इन तीनों का महत्व है, परंतु फिर भी चिंतन का निकरा रूप उच्चारण ज्ञान में ही माना जाता है। हिंदी शब्दों का निर्माण, हिंदी शब्दों का निर्माण कई विधियों द्वारा होता है, इसका वर्णन नीचे की पंक्तियों में किया जा रहा है। उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका प्रायः स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं, परंतु जब वह किसी शब्द से पूर्व जुड़ा कर आता है तो शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देता है। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग उपलब्ध है वे सामान्यतः संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। संस्कृत उपसर्ग, इनकी संख्या प्रधानतः 22 है, जिनमें से 20 का प्रयोग विशेष रूप से हिंदी में होता है, यथा अति, अधिक, यथा अत्युक्ति, अत्यंत। इस उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है। अधि, समीपता, प्रधानता, ऊंचाई, यतः अधिपति, अध्यक्ष, अधिकार आदि। अनु, क्रम सूचक, सादृश, पश्चात, यथा अनुरूप, अनुशासन, अनुगामन, अनुज आदि।
अप लघुता हीनता अभाव यतः अपशब्द अपकीर्ति अपव्यय अपमान आदि। अभी और समीप अधिक यतः अभिमान अभिनव अभिसार अभ्यास आदि। औ पतन अनादर हीनता यथा अवनत अवज्ञा अवगत अवसाद आदि। आ और सीमा समेत कमी विपरीत यथा आगमन आजन्म आक्रमण आधान आजीवन आरंभ आदि। उत उद ऊपर उत्कृष्ट यथा उत्पत्ति उत्कर्ष उत्साह उद्गार उत्तम उद्गम आदि। उप लघुता समीपता सादृश्य सहायक यथा उपनाम उपवेश उपासना उपस्थिति उपमंत्री उपवन आदि। दुर दुस हीनता दुष्टता कठिनाई निंदनी यतः दुर्गम दुष्कर्म दुर्बल आदि। नी नीचे भीतर बाहर यथा निबंध निदर्शन नियुक्त निवास निमग्न निम्न आदि। निर निश रहित निषेध यथा निराकारण निर्माण निरपराध निर्जीव निर्दोष। हिंदी में उपसर्ग का नी के रूप में ही प्रयोग होता है। परा अनादर नाश विपरीत यथा पराभव पराक्रम पराजय परास्त आदि। परि अतिशय त्याग यथा परिपूर्ण परिभ्रमण परिमाण पर्याप्त परिजन आदि। प्रा यश गति उत्कर्ष अतिशय यथा प्रताप प्रकाश प्रमाण प्रचार आदि। प्रति विरोध बराबरी प्रत्येक परिवर्तन यथा प्रतिध्वनि प्रतिकूल प्रत्यक्ष प्रतिक्षण प्रतिनिधि आदि। वि असमानता हीनता भिन्नता विशेषता यथा वियोग विराम विधवा आदि। सम संयोग पूर्णता यथा संग्राम संन्यास संहार संस्कृत सम्मुख आदि। सु अच्छा सुखी सुंदर यथा सुगंध सुकर्म सुगम सुभाषित आदि। टिप्पणी कई शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है यथा समालोचना प्रत्युपकार आदि। कुछ विशेषण तथा अव्यय भी उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं, उनकी सूची नीचे दी जा रही है। अधस नीचे यथा अधोगति अधः पतन आदि। अंतः अंतर अंदर यथा अंतर्भाव अंतर्गत अंतकरण आदि। अमा निकट यथा अमात्या अमावास्या आदि। अलम सुंदर यह क्रू धातु से पूर्व आता है यथा अलंकार अलंकृत आदि। आविर प्रकट यथा आविष्कार आविर्भव आदि। इति ऐसा यह यथा इतिहास इतिवृत्त। हिंदी में इस उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप में भी होता है। कु का कद बूढ़ा यथा कुकर्म कापुरुष कदाचार। चिर बहुत सदैव यथा चिरकाल चिरजीव चिरस्थाई आदि। तिरस तुच्छ यथा तिरस्कार तिरोहित आदि।
ना अभाव यथा नास्तिक नपुंसक नग्न आदि। नाना बहुत यथा नाना रूप, हिंदी में इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। पुरस सामने यथा पुरस्कार पुरोहित आदि। पुनर फिर यथा पुनर्जन्म पुनरुक्ति आदि। प्रातः सबेरा यतः प्रातकाल प्रातस्मरण आदि। प्रादुर प्रकट यतः प्रादुर्भाव आदि। बहिर बाहर यतः बहिर्मुखी आदि। सा सहित यतः सगोत्र सप्रेम आदि। सत अच्छा जैसे सत्कर्म सत्याहित्य सद्मार्ग आदि। सह साथ यथा सहगाम सहपाठी आदि। स्व अपना जैसे स्वदेश स्वधर्म स्वजाति आदि। स्वयं अपने आप यथा स्वयंवर आदि। टू हिंदी उपसर्ग। ये संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश है और इनका प्रयोग हिंदी के तद्भव शब्दों से पूर्व किया जाता है तथा आ अभाव यथा अजान अबला अशोक आदि। अन अभाव यथा अनमोल अनपढ़ आदि। अद आदा यथा अधपरा अधमका इत्यादि। उन एक कम यथा उन्नासी उन्तीस आदि। औ हीनता निषेध यथा अवगुण औडर आदि। का कु बूरा नीच यथा कपूत कुडंग आदि। नी निषेध अभाव तथा नीढर निगोडी निकम्मी आदि। बिन निषेध यथा बिन व्याह बिन काया आदि। बर पूर्ण यथा बर भरपेट बरमार आदि। सा सहित अच्छा तथा सकाम सपूत आदि। त्री उर्दू उपसर्ग। फारसी तथा अरबी के जिन उपसर्गों का प्रचलन उर्दू में है उनका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है यथा कम थोड़ा हीन थोड़ा हीन यथा कमजोर कमसीन कम उम्र आदि। कुश उत्तम यथा कुशबु कुशानुसीन आदि। गैर निषेध जैसे गैर कानूनी गैर हाजरी आदि। दर मे यथा दरहासल दर मियान आदि। ना अभाव यथा नालायक ना पसंद ना चीज आदि। बा साथ जैसे बदौलौत बनाम आदि। बद बुरा जैसे बदनाम बदमाजा आदि। बर ऊपर यतः बरकास्त आदि। बिला बिना जैसे विलानागा विलाशाक आदि। बे अंटे बीना यतः बे अल्क बेईमान आदि। ला बीना यथा लापरवाह लाचार लावारिस आदि। सर मुख्य यथा सरदार सरताज सरपंच आदि। हम समान यथा हम उम्र हम नाम हमराही आदि। हर प्रत्येक यथा हरहेक हरसाल आदि। टिप्पणी एक शब्द में कई उपसर्ग भी लग सकते हैं यतः क्रू धातु से कार आकार विकार प्रकार उपकार साकार आदि। क्रम पराक्रम विक्रम अतिक्रम इत्यादि। चर धातु से चार आचार विचार प्रकार व्यविचार उपचार आदि। भू धातु से भव उद्भव अनुभव संभव पराभव आदि। मल विमल अमल निर्मल आदि।
देश, उपदेश, विदेश, सुदेश आदि। हा धातु से हार, आहार, बिहार, पहार आदि। पदा, आपदा, विपदा, संपदा इत्यादि। स्था, स्थान, संस्थान, अवस्थान, संस्था, अवस्था आदि। ज्ञा धातु संज्ञा, आज्ञा, आवाज्ञा आदि। प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में आते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय एक क्रिया अथवा धातु के पश्चात आते हैं, इनके योग से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। तद्वि प्रत्यय ये संज्ञा तथा विशेषण आदि के अंत में आते हैं, इसके योग से बनाने वाला शब्द तद्वितांत कहलाता है। संस्कृत कृत प्रत्यय, संस्कृत भाववाचक संज्ञा है। आ कृत प्लस आ क्रोध, अन गम प्लस अन गमन, भू प्लस अन भवन, आ पूज प्लस आ पूजा, इश प्लस आ इच्छा, नड प्रच प्लस ना प्रश्न, ती गम प्लस ती गति, शक प्लस ती शक्ति, या विद प्लस या विद्या। संस्कृति कर्तुवाच संज्ञा है। अक गे प्लस अक गायक, क्रू प्लस अक कारक, अन नी प्लस अन नयन, आ सु प्लस आ सर्प, देव प्लस आ देव, ता दा प्लस ता दाता, वो तन प्लस वो तनु, बंध प्लस वो बंधु, उख भिक्ष प्लस उख भिक्षुक, ई दुष प्लस ई दुषी, त्यज प्लस ई त्यागी। कर्मवाच्य संज्ञा है। या शास प्लस या शिष्य, कृत प्लस या कृत्य भूतकालीन विशेषण, ता भू प्लस ता भूत, ना ज्रु प्लस अना जीर्ण, किद प्लस ना किन्न भविष्यत्कालीन विशेषण, तव्य वच प्लस तव्य वक्तव्य, कृत प्लस तव्य कर्तव्य, अनि दृश प्लस अनि दर्शनी, या पूज प्लस या पूज्य। हिंदी कृत प्रत्यय, हिंदी भाववाचक संज्ञा है। आ दौड़ना से दौड़, भरना से भार, आ फेरना से फेरा, घेरना से घेरा, ई लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, आप मिलना से मिलाप, आओ खींचना से खींचाओ, बचना से बचाओ, आपा बुढ़ा होना से बुढ़ापा, आस खटियाना से खटास, ई हांसना से हांसी, बोलना से बोली, था कपना से कपत, बचना से बचत, ती बढ़ना से बढ़ती, चढ़ना से चढ़ती, ना लेना से लेन, धड़कना से धड़कन, चाटना से चाटन, नी चाटना से चाननी, चाटना से चटनी, मांगना से मांगनी, रा बांटवाना से बांटवारा, वट सजाना से सजावट, मिलाना से मिलावट, हट चिल्लाना से चिल्लाहट। हिंदी कर्तुवाचक संज्ञाए। आ काटना से काटा, री काटना से काटरी, का उचकाना से उचक्का, रा जलना से चलार, ई डालना से डलिया। हिंदी कर्मवाच संज्ञाए। ना ओढ़ना से ओढ़ना, ओढ़न से ओढ़ना, नी ओढ़ने से ओढ़नी। हिंदी करणवाचक संज्ञा है। हा झूलना से झूल, आनी कहना से कहानी, ई केतना से केती, ऊ
चाड़ना से झाड़ू, औटी कसना से कसौटी ना, वेलना से बेलन, नी बेलना से बेलनी, नी कर्तवाच्य विशेषण, आऊ चलना से चलाऊ, टिकना से टिकाऊ, आक तैरना से तैराक, आका फटकाना से फटाका, लड़ना से लड़ाका, आड़ी खेलना से खिलाड़ी, आलू झगड़ना से झगड़ालू, इया घटना से घटिया, ईयल सड़ना से सड़ियल, ऊ पढ़ना से पढ़ू, एरा बसना से बसेरा, ऐत डाका डालना से डकौत, ओड हासना से हासोड, ओड़ा हासना से असोड़ा, का चलना से चालक, वकड़ घूमना से घुमक्कड़, ठा चुराना से छोटा, पैया गाना से गवैया, सार मिलाना से मिलनसार, हार रखना से रखनहार, हारा रोना से रोवन हार। उपर्युक्त टिप्पणी, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो गया होगी कि हिंदी में कृत प्रत्यय लगाने से पूर्व क्रिया का ना हट लेना चाहिए। संस्कृत तद्वित प्रत्यय, जातिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञा है। ता प्रभु से प्रभुता, वीर से वीरता, तो बंधु से बंधुत्व, हिंदू से हिंदुत्व, आ ऋणी से ऋणु, कुनी से गुण, या पंडित से पांडित्य पांडित्य। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञा है। आ मनु से मानव, वसुदेव से वसुदेव, या अदिति से आदित्य, आयन नर से नारायण, आई आई द्रौपदी से द्रौपदी। विशेषण से बनी संज्ञा है। ता विद्वान से विद्वता, मूर्ख से मूर्खता, तो एक से एकत्व, गुरु से गुरुत्व, ता लघु से लघुत्ता, एक से एकता। संज्ञाओं से बने विशेषण, इक मुख से मौखिक, दिन से दैनिक, वेद से वैदिक, या प्राक से प्राच्य, ग्राम्य से ग्राम्य, तालु से तालव्य, मति बुद्धिमान से बुद्धिमति, श्रीमान से श्रीमति, वती रूप से रूपवती, तेज से तेजवती, वी तेज से तेजस्वी, मन से मनस्वी, मय अलोक से अलोकमय, रूप से रूपमय, इत पीड़ा से पीड़ित, आनंद से आनंदित, ला बोझ से बोली बोझिल, रा मधु से मधुर, मुख से मुकुर मुखर, ई राष्ट्र से राष्ट्री, इन मन से मलिन, ईन कुल से कुलीन, निष्ठा श्रद्धा से श्रद्धा निष्ठा। हिंदी तद्वित प्रत्यय, भाववाचक तद्विति संज्ञाएं। आई साप से सपाई, लाल से ललाई, आ मोटा से मोटापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, पन छोटा से चुटपन, लड़का से लड़कपन, वट मल से मिलावट, खेल से लिखावट, हट लेख से खिलावट, हट कड़वा से कड़वा हट, ता रंग से रंगत, संग से संगत, सा मीठा से मिठास, नी चांद से चांदनी। कर्तुवाचक संज्ञाएं। आर लोहा से लोहार, या तेल से तेलिया, ई योग से योगी, त्याग से त्यागी, रा लूट से लुटेरा, वाल कोतवाली से कोतवाल, हारा लड़की से लड़का लकड़हारा। संबंधवाचक संज्ञाएं। हाल नाना से नानी हाल, जा बाई से भतीजा, यल नाक से नखेल, टी अंगुली से अंगूठी, औती बाप से बपौती। अनावाचक संज्ञाएं। इसमें लघुत्व या हीनता का भाव प्रकट होता है। आ पिल्ला से पिल्लुआ, ही प्याला से प्याली, रस्सा से रस्सी,
का, डोल से ढोलक, की डोल से ढोलकी, डी टुकड़ा से टुकड़ी, या बच्चा से बच्चिया, री पत्थर से पत्थरी। संज्ञाओं से बने तद्वितीय विशेषण आ, प्यास से प्यासा, आई पंडित से पंडिताई, ई बनारस से बनारसी, उ गहवारा से गहवारा गहवारू, एरा मामा से ममेरा, एथ लाठी से लटौती, वी लखनऊ से लखनावी, का माँ से मायका, ला पहल से पहला, वा सात से सातवा, सा उपवास से उपवास, सा हरा दो से दुहारा, तीन से तिहारा, हला रुपया से रूप हला, टा चौ से छठा। उर्दू तद्वि हत्ये भाववाचक संज्ञा ई बुर्जु बुजुर्गी, खुदगर्जी, गी ताजगी गंदगी, आई बेहुयाई बेवफाई। संबंधवाचक संज्ञा काना कैद काना, बावर्ची काना, आना जुर्माना नजराना, दान पंदान कांदान। कर्तुवाचक संज्ञाए गर कारीगर बाजीगर, ची मशाल, ची दार मकानदार दुकानदार, बीन दुर्बीन कुर्तुबीन। उर्दू तद्वितीय विशेषण आना सलाना महाना, गीन गमगीन, ई इमारती शर्बती, नाक कौफ नाक खतरनाक, मंदु अल्कमंदु धनिषा मंदु, बाज ताकबाज चलाबाज, शाही नदीर शाही नेहरू शाही इटल्लार शाही, पर ताकतवर हमलावर।